उत्तराखंड विवाद पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने मोदी सरकार को झटका देते हुए राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा दिया है, साथ ही कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता भी रद्द कर दी है। इसी के साथ ही अब कांग्रेस के सामने सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार का दिन उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर वाला रहा। एक महीने से भी ज्यादा चली सियासी उठापटक के बाद आखिरकार सूबे से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। नैनीताल हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से उत्तराखंड में सरकार हटाई थी। केंद्र सरकार के इस फैसले से लोकतंत्र और जनता का विश्वास टूटा है, लेकिन कोर्ट किसी के साथ भी ये अन्याय नहीं होने देगी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता भी रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि बागियों ने संवैधानिक पाप किया है, इसकी सजा उन्हें भुगतनी होगी, उनकी सदस्यता रद्द की जाती है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कांग्रेस के लिए सरकार बनाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। आंकड़ों पर नजर डाले, बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने से अब कुल सीटें 62 रह गई हैं। बहुमत के लिए कांग्रेस को 32 सीटें चाहिए, लेकिन बागी विधायकों की छुट्टी के बाद कांग्रेस कैंप में 35 सीटें बची हैं, जबकि बीजेपी के पास 27 सीटें हैं। कांग्रेस के पास बहुमत से ज्यादा सीटें हैं, ऐसे में अब कांग्रेस सीधे सीधे सरकार बनाती नजर आ रही है। वही कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल बना हुआ है। हरीश रावत ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत बताया है। इस झटके के बाद अब मोदी सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। वहीं उत्तराखंड में अब कांग्रेस को 29 अप्रैल को बहुमत साबित करना है। हालांकि बीजेपी अभी भी यही कह रही है कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड की सियासत का ये ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखना बाकी है। देखते रहिए डीबी लाइव।